कॉलेज और विश्वविद्यालयों की शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, लेकिन कई बार शिक्षा के मंदिर में बच्चों को शिक्षा देने वाले ही अपनी हदों को पार कर देते हैं और शिक्षा के मंदिरों को शर्मसार होना पड़ता है। कुछ ऐसा ही सोनीपत के राई एजुकेशन सिटी में स्थित बीआर अंबेडकर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में हुआ, जहाँ पर छात्राओं से यौन उत्पीड़न का बेहद ही गंभीर मामला सामने आया है। यूनिवर्सिटी की छात्राओं ने रजिस्ट्रार और दो प्रोफेसर समेत सिक्योरिटी गार्ड्स पर यौन उत्पीड़न और टिप्पणी करने के आरोप लगाए हैं। बता दें, पिछले कई दिनों से छात्र और छात्राएं अपनी मूलभूत सुविधाओं को लेकर यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी बीच छात्राओं ने हरियाणा महिला आयोग को अपने साथ हुई यौन उत्पीड़न की शिकायत भेजी। छात्राओं की शिकायत के बाद हरियाणा महिला आयोग के उपाध्यक्ष प्रीति भारद्वाज यूनिवर्सिटी पहुंची और यूनिवर्सिटी कैंपस का दौरा कर छात्र छात्राओं की परेशानी को सुना। इस यूनिवर्सिटी में पहले ईयर से ही सेक्सिज्म का काफ़ी बड़ा मुद्दा चलते आ रहा है। मेल एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज से लेकर मेल फैकल्टी तक हमने एक रिटन एप्लीकेशन दी है इसके ऊपर, और इसके ऊपर हम बहुत उम्मीद रखते हैं कि जो NCW की वाइस चेयरमैन मैम अभी इस वक्त आई हैं, उस इस मुद्दे का निवारण वो करके जाएंगे। वही महिला आयोग की उपाध्यक्ष प्रीति भारद्वाज ने मीडिया को बताया कि हम इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं और एक पत्र हरियाणा के गवर्नर और मुख्यमंत्री को भेजा जाएगा। देखिए, दो दिन पहले हमारे पास आयोग में एक कंप्लेन आई थी 19 पेज की, जिसमें कि जो उसके कवरिंग लेटर में ही काफ़ी सारे इल्ज़ाम जो हैं वो रजिस्ट्रार के खिलाफ और कंप्लेन में भी उन्होंने भेदभाव के और लैंगिक उत्पीड़न के लगाए हैं, और भेदभाव के सबसे ज़्यादा। तो उसके ऊपर उन्होंने कुछ स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने अपने वीडियोस भी बनाकर देखे भेजे हैं, जिनको उन्होंने हमें कॉन्फिडेंशियल रखने के लिए बोला है कि किस प्रकार से भेदभाव किया जाता है। उस पर संज्ञान लेते हुए और एज अ नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन यहाँ पर विजिट के लिए, ताकि पता चल सके कि एक्चुअली यहाँ पर क्या बेसिक इश्यू चल रहा है। तो ज़्यादातर इनके मामले इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड थे, लेकिन अंत में उन्होंने जो डिमांड जो रखी हैं वो पूरी करने के लिए दे हैव जस्ट आस्क रजिस्ट्रार के से थोड़े ज़्यादा कफा हैं। तो उस इशू को एड्रेस करते हुए आई थिंक आगे की कार्रवाई जो है वाइस चांसलर के ऑफिस से और आयोग की तरफ से, जो हमारे एरिया ऑफ उसमें आता है, हरासमेंट के इश्यूज हैं, सेक्सिज्म के इश्यूज हैं, उस पर हम लोग आगे अपनी इन्वेस्टिगेशन। और दूसरा जो हमारे परव्यू में आता है कि महिला आयोग से संबंधित जो भेदभाव भरे जो इश्यूज जो उन्होंने लिखे हैं, जिस प्रकार से महिलाओं को किसी ना किसी रूप में प्रताड़ित जैसा इन्होंने किया लिखा है अपनी कंप्लेन में, तो उसकी हमारी इन्वेस्टिगेशन करते हुए हम राज्यपाल महोदय को लिखेंगे और मिलेंगे और CM साहब को भी लिखेंगे और उनसे कोई रिटर्न, छात्राओं ने कोई रिटर्न में भी दिया कि हमारे साथ इस तरह के सेक्सुअल हरासमेंट है। जी, रिटर्न कंप्लेन आई है वो भी दिया है और उनके वीडियोस भी भेजे हैं। प्रदर्शन कर रहे छात्र छात्राओं ने ये भी कहा कि यूनिवर्सिटी की तरफ से उन्हें कोई भी मूलभूत सुविधा प्रदान नहीं की जा रही है और रजिस्ट्रार उन पर बेवजह का दबाव बना रहे हैं। वो पहले भी कई बार इस मामले को लेकर यूनिवर्सिटी प्रशासन से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अब तक वो मांगे पूरी नहीं हुई हैं। वो पिछले 3 सालों से चलती आ रही है। 3 साल पहले VC मैम तो यहाँ पे नहीं थी, 3 साल पहले जो रजिस्ट्रार सर थे वो यहाँ पे थे। इन मांगों का और इन परेशानियों की जो शुरुआत है उनके पास से होती है। उनने सारी फाइलें पिछले 3 सालों से खुद के फायदे के लिए अपने पास अटका के रखी, जिस कारणवश ये फाइलें पास नहीं हो पाई और आज भी हम लोगों को ये सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हमारी प्रमुख मांगों के अंदर जो पहली सबसे बड़ी मांग है वो ये है कि जो एक इनकॉम्पिटेंट और ना काम करने वाला रजिस्ट्रार हमारे बीच में काम कर रहा है उसको उसके पद से हटाया जाए, उसके बाद यहाँ की जितनी भी इंस्टीट्यूशन है उसके अंदर सही वो इंस्टीट्यूशन सही हो पाएगा। कोई प्रॉपर सोल्यूशन तो नहीं निकल पाया, हमको केवल वही महज वादे ही किए गए हैं जो हम पिछले 4 साल से सुनने में हमको आ रहे हैं। हम लड़कियों के रिलेटेड इशू पर बात करना चाहते थे, पर उन मुद्दों का भी कोई निवारण अभी तक हुआ नहीं है। हम अभी भी होपफुल हैं कि उन मुद्दों का निवारण हुआ जाएगा। फिलहाल हरियाणा महिला आयोग ने असंतुष्ट छात्र छात्राओं को आश्वासन दिया है कि उनकी सभी समस्याओं को जल्द समाधान कर दिया जाएगा
और यौन उत्पीड़न मामले में रजिस्ट्रार और अन्य के खिलाफ जांच करवाई जाएगी। सोनीपत से सनी मलिक, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।